अगर पहले लव हो गया तो फिर लव करके अरेंज कर लेंगे, वरना अरेंज ही कर लेंगे। चाल उसकी, चेहरे की नक्श, उसके बाल, उसकी हरनी जैसी चाल, करीना यार थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई है? अपना साइज देखो और कॉमन सेंस का साइज देखो। कौन सा साइज देख लिया? वो भाई मेरे, अपने वजूद चेक करो, कितना बड़ा तुम्हारा वजूद और कॉमन सेंस तुम्हारी इतनी। दोस्तों, अगर पाकिस्तान के सुंदर लड़कियों को इंडियन लड़कों से शादी करने का मौका मिल जाता है तो क्या वो इस मौके का फ़ायदा उठाएंगी और इंडियन लड़कों से शादी करके इंडिया आना पसंद करेंगी? तो चलिए जानते हैं खुद पाकिस्तान की लड़की से इसके बारे में। आपका नाम? आमना। आमना, क्या करती हैं? मैं स्टडी फिलहाल कर रही हूँ। अच्छा, थोड़ा सा आगे आ जाओ। वकील नहीं बन रही हैं? नहीं, आपने कहा स्टडी, मैं स्टडीज़ करती हूँ MLS डिपार्टमेंट। मुझे लगा लॉ कर रही हैं। नहीं नहीं, मेडिकल लेबॉरेटरीज एंड साइंसेस। अच्छा, मुझे ये बताओ क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मतलब कौन से हवाले से, हॉबीज़ वगैरह या फिर? हाँ, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? हॉबीज़ मुझे प्लांटिंग पसंद है, कुकिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है। बहुत सीधी लड़की है। हाँ, सीधे सीधे शौक है। अच्छा, हार्ड वर्किंग ज़्यादा पसंद है तो इसीलिए मैं ऐसी चीज़ें लेती हूँ जिसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क। अच्छा, मुझे ये बताओ अगर कभी किसी इंडियन एक्ट्रेस से शादी का मौका मिले तो किससे करोगी? इंडियन? हाँ, चेंज नहीं हो सकता। नहीं, इंडियन कौन आपको अच्छा लगता है? मुझे इंडियन तो नहीं, मुझे टर्किश एक्टर एक पसंद है, सो इंडियन नहीं। जिनकी शक्लों की भी समझ नहीं आती है? नहीं नहीं, मुझे लगता है टर्किश एक्टर इंडियन एक्टर से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और वो ज़्यादा टेस्ट। अच्छा, चलो, किसके साथ आपको मौका मिलेगा आप शादी कर लोगी? इंडियन एक्टर हैं कौबक डिमर्स, उनका तो मुझे अच्छा फिर मुझे ये बताओ लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव करके अरेंज। लव करके अरेंज कौन सी होती है जरा मुझे बताना? मतलब जिसमें पेरेंट्स भी मान जाए, फिर पहले लव हो, पहले खुद बार गुल खिला लो और घर वालों को कहो कि रिश्ता आ गया और ये अरेंज मैरिज है। आप गुल ना खिलाओ ना, आप अच्छे वाले गुल खिलाओ, क्योंकि एक अच्छे गुल होते हैं, बुरे गुल होते हैं। आप गुल गुल नहीं होते हैं, वो सब कुछ एक ही चीज़ है, पहले लव एक ही चीज़ है। वो इंसान पर डिपेंड करता है, आप अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म करो या बुरे तरीके से। हर इंसान को एक इनर पावर होती है तो वो आपके ऊपर। आपने कहा पहले लव और फिर अरेंज, पहले लव कर लो बाद में घर वालों के सामने उसको अरेंज बना दो। आप सलम ने की भी हजरत खतीजा से पहले, हजरत खतीजा ने उनको पसंद किया था, आई गेस उससे प्यारी खूबसूरत लव स्टोरी कोई नहीं हो सकती। सो अच्छा, आप अपने बारे में क्या ख्याल है, खुद क्या करना है? जो अगर पहले लव हो गया तो फिर लव करके अरेंज कर लेंगे, वरना अरेंज ही कर लेंगे। बस जो मिले अब गुजारा। नहीं, जो मिले नहीं, लेकिन नहीं, अब लव हो गया तो लव अरेंज हो गया। वैल्यूज, आई गेस मॉरल वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है, सो मॉरल वैल्यूज पहले देख लीजिए फिर तो अरेंज ही ठीक है। अरेंज ठीक है, चलो लड़की मान गई, अरेंज मैरिज के लिए अब रिश्ता भिजवा दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शरोज शराजी। कमर में कुब पड़ा हुआ, सीधा खड़ा नहीं पड़ा। आप कुब देख रही हो कि मुझे देख रही हो? अच्छा, वो नहीं, आप वो खड़े ही ऐसे मुझे पका वाला चले कि कमर में कुब पड़ा हुआ है। आप मुझे देखो ना, कुब को ना देखो। नहीं यार, मैं नहीं देखती, समझा करो। अच्छा, चले चले, मुझे बताओ दिमाग काम करता है, कॉमन सेंस है? हाँ, कॉमन सेंस है, दिमाग भी काम करता है। अच्छा, कितनी कॉमन सेंस है? थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई है? अपना साइज देखो और कॉमन सेंस का साइज देखो। कौन सा साइज देख लिया? दो भाई मेरे, अपने वजूद चेक करो, कितना बड़ा तुम्हारा वजूद और कॉमन सेंस तुम्हारी इतनी सी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, मैं चोर सेंस की बात कर रहा हूं। बहुत बिगड़े हुए होते हैं जी, 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 मुझे ये बताओ अगर किसी इंडियन एक्ट्रेस से शादी का मौका मिले तो किससे करोगे? दीपिका। किससे? दीपिका। दीपिका से क्यों? दूसरी शादी करूंगा ना। तो पहले किससे करेंगे? पहली मैं अपनी बंदी से करूंगा, दूसरी शादी किससे करूंगा? हाँ हाँ, बंदी कौन सी है? बंदी बहुत अच्छी है मेरी, बहुत। तो बंदी के होते हुए शर्म नहीं आती कोई फिर इंडियन एक्ट्रेस से भी शादी करनी है? शाम में चार शादियाँ जाएंगी। चार शादियाँ जाएगी, चार चूल्हे चलेंगे, आपने चलाना तो आप भी जा दो। बहुत मेहरबानी है आपकी, आप कहीं और से इकट्ठी करें तो बेहतर है। इकट्ठी हमने इधर से ही करनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं दीपिका की क्या चीज़ आपको पसंद है? वो नहीं मैं बता सकता। तो फिर पसंद ही क्यों, अगर कानों को हाथ लगा रहे हैं और बता नहीं सकते हैं? नहीं ना, वो मेरी पसंद है, वो आपको मैं क्यों बताऊं? वो आपके दिल को अच्छी लगती है। नहीं ना, मेरे दिल को अच्छी लगती है, कहाँ से लगती है, कैसे लगती है, मैं आपको क्यों बताऊं? बिगड़े हुए। हाँ, मुझे ये बता लव मैरिज या अरेंज मैरिज? आप कौन सी पसंद करें? मैं कोई पसंद नहीं करूंगी, जो आपको पसंद है ना वो बताएं। मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे तो दोनों पसंद है, आप बताओ कौन सी करोगी?
भाई मेरे जाके अपनी बीवी से पूछो ना कौन सी कर रही है, फिर मुझे बताओ लव मैरिज या अरेंज मैरिज। भाई आपको बुला रहे हैं। मैं आपसे बात कर रही, आप बताएं। मैं भाई तो नहीं हूँ। अच्छा आप मेरे क्या हैं? जो मर्जी समझ लें। मैं तो आपको भाई समझती हूँ। फ्रेंडशिप से होता है। आप मेरे फ्रेंड भी नहीं हैं। अब मैं आपको सिखाऊं किस तरह स्टार्ट करते हैं? वो इस तरह तो नहीं, अब आपको हर चीज तो बतानी नहीं पड़ेगी। मुझे मत सिखाएं, लोगों को खैर बता दें, उनकी हेल्प हो जाएगी। पहले फ्रेंडशिप, फिर टोटल गेम, फिर बाय बाय। भाई आप मुझे बताएं आप कौन सी शादी। मैंने कहा आपको कौन सी पसंद है? मेरी शादी हुई है इसलिए बेहतर है कि आप अपना बताएं। जी कोई मसला नहीं, ये तो ज्यादा आसान है। कौन सी शादी करनी है? लव मैरिज के अरेंज। भाई बिगड़े हुए हैं, अब बता दे मुझे, मत खपाएं। लव मैरिज। क्यों लव मैरिज में ऐसा क्या खास होता है? लव मैरिज में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। तो अरेंज में क्या होता है? अरेंज में पहले अंडरस्टैंडिंग करो, फिर लव करो, फिर मैरिज करो। मैरिज तो हो चुकी होती है पहले लव करो, पूरा ही पैटर्न खराब हुआ था। पहले मैरिज का हो जाती है, फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर लव होता है। आप परेशान ना हो, आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। आप परेशान ना हो, आपके साथ भी ऐसे होने वाला है। देखिए मैंने आपको कहा मेरी हो चुकी है, सिर्फ आप अपनी सोचें। तो वही तो कह रहा हूँ, आपकी हो चुकी है मेरे साथ। तो दोस्तों जैसे कि आपने लड़कियों से सुना कि इन्हें इंडियन लड़के कैसे लगते हैं, आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर देना। और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर आती रहती है। हम मिलेंगे आपको अगली मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को करें सब्सक्राइब। बाय बाय, जय हिंद।